हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत अच्छी हूं, आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती रहती हूं, बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोग पूछते हैं कि मैं कैसी हूं, तो मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल अच्छी हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है शिप में, अब मैं बिल्कुल अच्छे से सेल कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर शाम का टाइम है, मैं पीहू को पढ़ा रही हूँ, पीहू की पढ़ाई हो चुकी है और अब मैं पीहू को देने जा रही हूँ कुछ शाम को खाने का स्नैक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ कि पीहू को मैं इवनिंग टाइम पे क्या देती हूँ, क्योंकि बच्चा है वो तो भूखा हो जाता है, हम लोग का लंच भी जल्दी होता है, तो उसके बाद शाम को क्या खाते हैं हम लोग। तो मैंने अपना चाय रूटीन तो आपके साथ टी रूटीन जो है वो शेयर किया है, लेकिन अभी तक मैंने पीहू का रूटीन शेयर नहीं किया था कि जब वो भूखी होती है तो वो क्या करती है। तो हम लोगों की चाय हो चुकी है, जीएस भैया चाय दे करके गए थे तो वो खत हम लोगों ने पिया था। उसके बाद फिर मैंने ग्रीन टी बनाई थी, तो मैंने और वर्मा जी ने दोनों लोग ने ग्रीन टी पी ली है। और अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ पीहू के लिए ब्रेड टोस्ट कर रही हूँ, बटर के साथ दूंगी उसे खाने के लिए, साथ में उसे मैं दूंगी कोल्ड कॉफ़ी, जिसमें कि बहुत एक चुटकी बस मैं कॉफ़ी डाल दूंगी, जिससे कि वो खुश हो जाएगी और वो सोचेगी कि कोल्ड कॉफ़ी है, मतलब कि ठंडे दूध में ही उसको बस थोड़ी सी शुगर और एक चुटकी कॉफ़ी मिक्स करके फेड करके मैं उसे दे दूँगी, तो वो भी खुश हो जाएगी और मेरा भी मोटिव पूरा हो जाएगा कि मैंने उसको दूध पिला दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्रेड टोस्ट कर ले रही हूँ पीहू के लिए, वो बहुत हल्का सा टोस्ट करवाती है, उसको ज़्यादा टाइट मतलब हार्ड ब्रेड नहीं पसंद है। और इधर वर्मा जी मतलब कि बड़ा साहब बैठ करके अपना कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ, मतलब कि मैं पीहू को शाम का स्नैक्स दे रही हूँ। वो मेरी हेल्प भी करती रहती है, मुझे प्लेट पास कर देगी, ग्लास पास कर देगी, इस तरह से हम लोग अपना काम करते रहते हैं साथ में। तो ये देखिए, ये है दूध का पैकेट डिब्बा जो कि अमूल ताज़ा का है। इस दूध को बॉयल नहीं किया जाता है, आप इसको अपने फ्रिज में स्टोर करके ऐसे रख सकते हैं और बस हल्का सा गर्म करके आप इसको पी सकते हैं। तो यही मैं पीहू को देती हूँ। मैंने पीहू को दे दिया है और पीहू बैठ करके अब अपना नाश्ता कर रही है और इधर वर्मा जी भी अपना काम कर रहे हैं, तो बस हम लोग भी एक एक ब्रेड टोस्ट करके खा लेंगे। तो चाय तो पी चुके हैं, चाय के साथ मैंने थोड़े से चिप्स खाए थे और वही हम लोगों ने खाया था। अभी मेरा भी मन हो रहा था कि चलो ब्रेड टोस्ट कर लेते हैं, तो मैं और वर्मा जी दोनों लोग एक एक ब्रेड टोस्ट करके यहाँ पर खाएँगे और फिर उसके बाद चलिए खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको कैमरे के आगे आकर।
एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और जैसा कि अभी आपने देखा कि मैं पीहू को कुछ कुछ खाने के लिए दे रही थी, उसको मैंने मिल्क दे दिया। तो आपने देखा कि मैंने दूध का डिब्बा क्या यूज़ किया। तो जी हाँ, यहाँ शिप पे यही वाले अमूल के जो टेट्रा पैक होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो वो हम लोग अपने, मतलब मैं अपने कैबिन में रखती हूँ, और जब ज़रूरत पड़ती है पीहू को तो वो मैं गर्म करके उसको दे देती हूँ। कभी कभी वो रात में भी दूध मांगती है। तो मेरे पास ये कैटल होता है और मैं इस कैटल में पीहू को दूध गर्म करके दे देती हूँ। वैसे ये टेट्रा पैक वाले दूध जो होते हैं उन्हें ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन पीहू गर्म दूध पीती है, उसको ठंडा दूध कम पसंद है। कोल्ड कॉफ़ी कभी कभी चल जाता है, थोड़ी सी कॉफ़ी डाल करके बच्चे को दे दिया तो वो, उसका मन चेंज हो जाता है और वो पी लेती है इस तरह से। और मैं बैठी हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये पोर्ट होल पे पीहू इधर तैयार है। हेलो, गुड इवनिंग, तैयार हो गई? कहाँ जाना है? छत पे। छत को क्या बोलते हैं? फ्रिज में जाना है। हाँ, तो अभी शाम हो रही है, 5:15 बज रहे हैं, और देखिए बाहर का व्यू, सनसेट होने का टाइम हो रहा है, मतलब शाम हो रही है। बाहर का पहले व्यू दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, इधर जो सूरज है, इधर हमारा शिप है, फॉरवर्ड का व्यू है, और यहाँ पे छोटी छोटी सी फिशिंग बोट्स हैं जो कि यहाँ पे फिश को पकड़ रही हैं। किसी दिन दिखाऊंगी, रात में बहुत सारे फिशिंग बोट्स हमारे शिप के पास होती हैं तो वो लोग फिश पकड़ रहे होते हैं, तो किसी दिन वो रिकॉर्ड करूंगी। रात का सीन होता है ना तो बहुत कम दिखता है, मतलब फ़ोन इतना अच्छा से कैप्चर नहीं कर पाता, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं करती। वैसे तो मैं रोज़ देखती हूँ शिप के किनारे किनारे बहुत सारी बोट्स आ जाती हैं, और वो लोग रस्सी बांध करके शिप पे, मतलब शिप के बगल से मछलियाँ पकड़ते हैं। किसी दिन दिखाऊंगी मैं आपको। और आज मैं आपको अपने वीडियो में दिखाने वाली हूँ जहाज़ कहाँ से चलता है, जहाज़ कहाँ से ऑपरेट होता है, कहाँ से मैनेज, मतलब चलाया जाता है, स्टीयरिंग गियर कैसा होता है, सब कुछ। तो ब्लॉग के एंड तक बने रहिए। अभी ऊपर जाऊंगी ब्रिज पे, तो मैं सोच रही हूँ आज मैं ब्रिज का रिकॉर्ड करूंगी, आपको दिखाऊंगी जहाज़ कहाँ से चलता है। वो सारी बातें मैं आपको व्लॉग के पूरे डिटेल बताती रहूँगी व्लॉग में। और कल वाले व्लॉग को आपने मेरा बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, मेरे व्यूज़ अच्छे आए तो मुझे अच्छा लगा। तो पीहू चढ़ रही हैं ऊपर, चढ़ो भाई चढ़ो, चलो भाई चलो, चश्मा लगा के, धूप होती है तो पीहू लगा चश्मा जिससे कि पीहू को धूप ना लगे। मैं तो देखा आपने, आज मैं ऊपर लेडर से आई थी, मतलब सीढ़ियों से ऊपर आई थी, और यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ पोर्ट साइड से स्टार्ट करते हुए, और यहाँ पे कैप्टन सर पीहू को गोद में ले रहे थे। अभी पीहू बाहर आ गई है, ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं। शिप के दो साइड होते हैं, स्टार बोर्ड साइड और पोर्ट साइड। तो मैं आपको लेकर के आई हूँ शिप में स्टार बोर्ड साइड से, मतलब कि राइट हैंड साइड वाले हिस्से से, और जो लेफ़्ट हैंड साइड होता है वो होता है पोर्ट साइड, मतलब कि शिप के दो पार्ट होते हैं, स्टार बोर्ड साइड और पोर्ट साइड। और अभी हम लोग सेंटर पे आ गए हैं, आपको मैं फ्रंट का व्यू दिखा रही हूँ, मतलब कि फॉरवर्ड का व्यू दिखा रही हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने ब्रिज के टूर से। तो ये देखिए, बीच में इस तरह से पैनल बना होता है, और ये जो है इससे आप शिप को स्पीड देते हैं, शिप को तेज और धीमा करने वाला, मतलब स्पीड दी जाती है ये। तो यहाँ पे कुछ टेलीफोन रखे हुए हैं, चलिए पूछते हैं इसके बारे में। ये क्या है? हाँ, इससे क्या होता है? अच्छा, और मुझे बताओ ना आप, ये स्टीयरिंग है? हाँ, इससे राइट लेफ्ट होता है? देखो ये है, ऐसा करेंगे तो आपका ये स्टारबोर्ड साइड में जाएगा, ऐसा करेंगे तो पोर्ट साइड में आएगा। घुमा देगी भाई आगे? अभी तो बंद होगा ना, इसमें भी तो ब्रेक्स होते होंगे? ब्रेक्स नहीं होते। ये है नेविगेशन का, नेविगेशन से रिलेटेड, जैसे रात में कैसे रास्ता दिखता है वो इधर से दिखता है। हाँ जी, चलो, इसमें छोटे छोटे जहाज भी दिख जाते हैं ना? नहीं, नेविगेशन से रास्ता दिखता है, पता चलता है।
और ये इसमें से रडार से जहाज का वो है तो आस पड़ोस में क्या है, कौन सा चीज है, जहाज बोट सब पता चलती है। ये क्या है? ये भी रडार ही है। तो देखा आपने, मैंने आपको बताया ये क्या क्या चीज़ यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ से आप जहाज़ को राइट लेफ़्ट मोड़ सकते हैं और ये सामने का व्यू है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिखते हैं, कभी बारिश होती है तो वो दिखता है, धूप दिखती है, छाएं दिखती है, बहुत अच्छा लगता है ऊपर ब्रिज से। और पीहू यहाँ पर बहुत मज़े से मस्ती कर रही है, यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, वो मैंने थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया। इधर से ये पेपर वर्क होता है रात में कर्टन लगा करके। हाँ, ये कर्टन लगाए जाते हैं जिससे कि अंदर की लाइट बाहर ना जाए। तो पीहू बाहर जा रही है वो झूला झूलने के लिए। तो यहाँ पे वर्मा जी गेट खोल रहे हैं और ये जो आपने पर्दे देखे ना, यहाँ पे चार्ट प्रिपेयर किए जाते हैं बंद करके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की लाइट जल रही होती है और जहाज़ बिल्कुल अंधेरे में चलता है, कोई भी लाइट नहीं जलनी चाहिए इसलिए। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही अपना वीडियो बनवा रही थी वर्मा जी से, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही थी इसलिए। तो ये है। और कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग, आपको ज़रूर मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। मैं आपको धीरे धीरे और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी शिप में, तो ज़रूर से लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, आपने अंदर का तो देख लिया है, ब्रिज का मैंने आपको दिखा दिया कि ब्रिज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जी आपको मैंने बता दिया है। और अब किसी दिन आपको नीचे का क्या मैनेजमेंट होता है, मतलब जहाँ इंजन कहाँ, इंजन रूम का भी टूर कराऊंगी, इंजन रूम ले चलूंगी, दिखाऊंगी। ब्रिज से और इंजन रूम दोनों से कंट्रोल होता है शिप, मतलब जब चलाया जाता है तो दोनों ही क्या चीज़ होता है, जहाज़ को दोनों तरह से कंट्रोल किया जाता है। हाँ, हम लोग इंजन की पावर नीचे से ही देते हैं, स्टीयरिंग होता है वो ऊपर से चलाता है, मतलब राइट लेफ्ट करने को, शिप को मोड़ने को, वो सारी चीज़ें ऊपर से मेंटेन होती हैं और जो स्पीड होती है वो नीचे से दी जाती है। अच्छा, तो किसी दिन नीचे भी ले चलेंगे और फिर नीचे का दिखाएंगे। तो चलिए अभी आज के व्लॉग को यहीं फिनिश करते हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर व्यू के साथ। सनसेट हो चुका है पूरी तरह से और ये है चारों तरफ का व्यू। चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।